Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Economics Easy है. Chapter number 15 External Sector in India को हम करने के लिए जा रहे हैं. दोस्तों याद होगा ये सारे टॉपिक हम अपने कुछ क्लासेस के अंदर कर चुके थे. आज का जो हमारा टॉपिक है that is GAR. इसकी फुल फॉर्म होती है जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल. दोस्तों GAR के रिगार्डिंग इस बुक में ना टॉपिक मुझे उतना कुछ खास अच्छा नहीं लगा, इस वजह से मैंने इसके लिए सेपरेट नोट्स बनाए हैं. हम उस नोट्स में से GAR के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और विश्वास मानो अगर आपने ध्यान से चीजें समझ ली तो आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे GAR के रिगार्डिंग. ठीक है, तो ये जो GAR जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट है. ठीक है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा मुझे इनकम टैक्स के बारे में बताना पड़ेगा क्या होता है क्या नहीं होता, तो आपको ज्यादा अच्छे से इसमें कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, चलो तो मैं नोट्स में से आपको कराता हूँ GAR. अभी GAR क्या होता है सुनो ध्यान से. पहले तो बात करते हैं इसके फुल फॉर्म की, कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल. क्या होती है, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल. देखो दोस्तों, इस GAR के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है. वो बेसिक तीन चीजें हैं, दैट इज टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस. यहां से आपको समझ आएगा कि हमें GAR यानी जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल को लाने की जरूरत क्यों पड़े. देखो एक बात सुनो मेरी, एक चीज हमेशा याद रखना, जो टैक्स होता है ना वो एक कंपलसरी पेमेंट होती है जो हर व्यक्ति को क्या करनी होती है, पेमेंट करनी पड़ती है गवर्नमेंट को. यानी ये कंपलसरी है, आपको देना ही पड़ेगा, आप इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते. और अगर ऐसा करोगे तो आप पकड़े गए तो बहुत बुरा फाइन आपके ऊपर इम्पोज किया जाएगा. तो ऐसे में टैक्स क्या हो जाती है, एक कंपलसरी पेमेंट हो जाती है जो कि इम्पोज की जाती है हर जनरल पब्लिक के ऊपर जो कि इनकम को कमा रही है. अब यहाँ पर टैक्स के दो दायरे होते हैं, यानी दो पार्ट होते हैं, एक आपका डायरेक्ट टैक्स होता है और एक आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है. कहा जाता है कि डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जहां पर आप अपने बर्डन ऑफ टैक्स को एक से दूसरी जगह पर शिफ्ट नहीं कर सकते हो, और दूसरी तरफ इनडायरेक्ट टैक्स वो चीज होती है जहां पर आप अपने बर्डन को एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से शिफ्ट कर सकते हो. अब क्या होता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि जो हम टैक्स दे रहे हैं इससे हमारी जो रियल इनकम है यानी जो हमारी डिस्पोजेबल इनकम है वो क्या हो रही है, कम हो रही है. तो लोग कई टाइप के प्लानिंग्स करने शुरू कर देते हैं जिसे बोलते हैं टैक्स प्लानिंग. दोस्तों जब भी ये वर्ड है टैक्स प्लानिंग का तो समझ जाना टैक्स प्लानिंग का मतलब सिंपल सा ये होता है कि आप अपने टैक्स की लायबिलिटी को रिड्यूस करना चाहते हो, आप अपनी टैक्स की लायबिलिटी को रिड्यूस करना चाहते हो बट गवर्नमेंट के बताए हुए तरीके से. मतलब आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे. हाँ लगाओगे नो डाउट, मेरे कहने का मतलब यह है कि आप जो गवर्नमेंट के बताए हुए तरीके ना उनको फॉलो करके अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करोगे, ना कि टैक्स की चोरी करके. सर थोड़े से एग्जांपल दोगे? अरे बिल्कुल दूंगा. देखो टैक्स प्लानिंग अगर मुझे करनी, लेट सपोज कि मेरे पास एक क्लाइंट आता है, वो क्लाइंट आके ये बोलता है सर मुझे ना अपनी मेरी इनकम 10 लाख की है और मैं चाहता हूँ अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करना, तो कोई लीगल तरीका बता दो कि कल को अगर कोई गवर्नमेंट अगर मुझसे पूछताछ भी करे तो मैं उनको बता पाऊँ खुल्लम खुल्ला कि हाँ भाई जो चीज़ें हैं वो आपके सामने है और वो बिल्कुल सही तरीका हो. मैंने कहा बिल्कुल सही कहा. तो मैंने उसको बोला आप एक काम करो कि आप ना कुछ सर्टेन इन्वेस्टमेंट्स हैं, आप इन इन जगहों पर पैसा अपना इन्वेस्ट करो तो क्या होगा, गवर्नमेंट आपको आपकी इनकम पर क्या देती है, डिडक्शंस दे देगी, मतलब आपकी इनकम को कम कर देगी. तो उसने कहा सर किस किस जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं. मैंने कहा आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खुलवा लो, जितना प्रीमियम अमाउंट पे करोगे वो हर साल आपकी इनकम से माइनस होता रहेगा और जितनी इनकम आपकी कम डिक्लेयर होगी उतना ही आपका टैक्स लायबिलिटी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. मैंने उसको बोला आप एक काम करो हेल्थ इंश्योरेंस बाय कर लो तो आपको ATD के अंदर डिडक्शन मिल जाएंगी. सर आप एक काम करो ना अगर कोई आपके घर में विकलांग है या कोई हैंडीकैप्ड है उस पर कुछ खर्चा पानी करना शुरू कर दो तो आपको उसका ATU के अंदर डिडक्शन मिलने लग गया. अच्छा सर आपने अगर कोई अपना घर खरीदा है तो उसके लिए लोन की पेमेंट कर रहे हो तो इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाएगी, अगर आप अपने बच्चे की स्कूल फीस दे रहे हो तो वो डिडक्शन मिल जाएगी. तो कहा गया गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया, पहले ही बता दिया गया कि अगर आप इन 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 जगहों पर पैसा अपना इन्वेस्ट करोगे तो आप अपनी उस इन्वेस्टमेंट का पैसा अपनी इनकम से माइनस करवा सकते हो. तो ये एक लीगल रास्ता होता है, यानी एक लीगल तरीका होता है जहां से आप अपनी इनकम को कम दिखा सकते हो, एंड दिस रास्ता इज कॉल्ड टैक्स प्लानिंग. इसको क्या बोलते हैं, टैक्स प्लानिंग. तो सर टैक्स प्लानिंग का मतलब एक बार मैं बता दूं एक लाइन में क्या होता है, सिंपल भाषा में बोलो टैक्स प्लानिंग का मतलब एक ऐसा लीगल तरीका जिससे आप अपनी लायबिलिटी को क्या कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो. आप अपनी लायबिलिटी को क्या कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो. ऐसे लीगल रास्ते को हम क्या बोलते हैं अपने पास, टैक्स प्लानिंग बोलते हैं. वही लिखा हुआ है टैक्स वे टू रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी. ये क्या होता है, एक लीगल वे होता है जिससे आप अपनी लायबिलिटी को क्या कर पाते हो, रिड्यूस कर पाते हो. बोलो सुन रहे, जैसे एग्जांपल के तौर पे डिडक्शन अंडर सेक्शन अंडर चैप्टर 6 है जो कि ATC से ATU के अंदर आती है. दूसरा पॉइंट आता है टैक्स इवेजन की. टैक्स इवेजन क्या होता है, इवेजन को अगर आप डिक्शनरी में ढूंढोगे तो इसका मतलब होता है चोरी. इवेजन का मतलब क्या होता है, चोरी. जो लोग अपनी इनकम को सुप्रेस करते हैं यानी इनकम को कम दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि वो टैक्स की चोरी कर पाए.
लेट सपोज मेरे दो घर हैं, उनमें दोनों घरों से मुझे रेंट आ रहा है। अब मैं गवर्नमेंट को क्या कह रहा हूँ, गवर्नमेंट को कह रहा हूँ कि मेरा रेंट आ ही नहीं रहा, मैं तो उस पर खुद रहता हूँ, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेट आउट है ही नहीं वो घर। तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि भाई आपने जो तरीका अपनाया ना अपनी लाइब्रेरी को रिड्यूस करने का, वो चोरी का तरीका था, तुमने हमसे चीजें छिपाई, तुमने हमसे टैक्स के बारे में नहीं बताया, तुमने अपनी इनकम के बारे में डिक्लेरेशन सही तरीके से नहीं दी, यानी आपके द्वारा जो एक्ट किया गया दैट इज कॉल्ड टैक्स इवेजन, यानी आप टैक्स को कम कर रहे थे लेकिन अपने तरीके से कर रहे थे, गवर्नमेंट के बताए हुए तरीके से नहीं कर रहे थे, जो कि बिल्कुल गलत था। एंड दैट इज कॉल्ड, इट मीन्स आपकी इंटेंशन गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस करवाना था, इसका मतलब आपने टैक्स का क्या किया, चोरी किया है, दैट इज कॉल्ड टैक्स इवेजन। तो ये एक इलीगल वे होता है जिसमें आप अपने टैक्स लायबिलिटी को क्या करते हो, अवॉइड करने की कोशिश करते हो, लॉ इसको करने से प्रोहिबिट मतलब मना करता है पूरी तरह। आई होप कि आपको ये दोनों की दोनों टर्म्स अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तीसरी टर्म आती है टैक्स अवॉइडेंस। देखो टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है, ये बिल्कुल वैसे ही है कि मैं ये बोल रहा हूं कि मैं झूठ कभी बोलता नहीं हूं लेकिन सच मेरे मुंह से निकलता नहीं है। मैं क्या बोलूं, एक लाइन ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला, मैंने कहा झूठ मैं कभी बोलता नहीं और सच मेरे मुंह से निकलता नहीं है। तो आप कहोगे सर फिर बोलते क्या हो, मतलब आप कह रहे हो झूठ कभी बोलते नहीं और मुंह से जो निकलता है वो कभी सच निकलता नहीं है, तो अल्टीमेटली आप झूठ बोल रहे हो और कह रहे हो कि नहीं सच निकल रहा है, तो सर बात नहीं जमी, आप एक ना बीच का रास्ता निकाल रहे हो जिसके मारे हम बड़े कंफ्यूज हो गए। बिल्कुल सही कहा, ये टैक्स अवॉइडेंस ऐसा ही कॉन्सेप्ट है जो कि टैक्स प्लानिंग और टैक्स इवेजन के बीच में आता है, यानी ये एक ऐसा तरीका होता है जिससे क्लाइंट अपनी टैक्स लायबिलिटी को तो रिड्यूस कर लेता है लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को लगता है ये रास्ता गलत है, लेकिन वो रास्ता गलत होता नहीं है। मतलब गवर्नमेंट को लगता है वो गलत है लेकिन वो रास्ता गलत नहीं होता, हो सकता है आपके बनाए हुए लॉ के अंदर ही कोई लूप हो लो जिसका फायदा क्लाइंट ने उठा लिया। इट माइट बी पॉसिबल ना कि आपके जो तरीके हैं, जो लॉज हैं, वो इतने अच्छे क्लियर ना हो जिस वजह से क्लाइंट ने उस चीज का फायदा उठा लिया। अब जैसे गवर्नमेंट ने ये बोला 2.5 लाख तक की इनकम माफ है, लेट सपोज अगर किसी पर्सन ने अपनी पत्नी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी तो ऐसे में क्या हुई, उसकी लायबिलिटी इनकम कम हो जाएगी और दो पार्ट में बढ़ जाएगी, तो 2.5 लाख को दोनों को क्या मिलेगी, डिडक्शन मिल जाएगी, तो यानी 500 की डिडक्शन ले ली। ये एक लीगल तरीका है, आप बिल्कुल कर सकते हो, बस गवर्नमेंट को पता ना चले कि आपने इस तरीके को अपनाया है। अगर ठीक है तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप यानी लॉ का क्या कर रहे हो, लॉ के कायदे कानून के लूप होल का क्या उठा रहे हो, फायदा उठा रहे हो। तो टैक्स अवॉइडेंस का मतलब होता है जो टैक्स प्लानिंग और टैक्स इवेजन के बीच में होता है, इट इज जस्ट लाइक अ टैक्स सुप्रेशन, यानी आप रिड्यूस नहीं कर रहे हो बट हाँ छुपाने की कोशिश कर रहे हो। ये एक लूप होल का तरीका होता है, आपने लॉ के लूप होल का सही तरीके से इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर लिया। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई अभी तक क्या था, 2017 तक गवर्नमेंट सोई पड़ी थी, 2017 तक गवर्नमेंट को लग रहा था लोग या तो टैक्स की चोरी करते हैं या टैक्स की प्लानिंग करते हैं। टैक्स की प्लानिंग करना बिल्कुल सही बात है, गवर्नमेंट खुद भी कहती है आप टैक्स प्लानिंग करो, बहुत अच्छी बात है, आप सीए के पास जाओ या अपना दिमाग लगाओ, टैक्स प्लानिंग आप बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस प्लानिंग के अंदर आप गलत चीजों से करोगे जिससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस होगा तो वो टैक्स इवेजन की श्रेणी में आ जाएगा, यानी जो चीज एक्ट में लिखी है उसके बियॉन्ड जाके अगर आप टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करते हो दैट इज टैक्स इवेजन। तो बीच का रास्ता क्या अपनाया दोस्तों, मैं बता दूं जितने लॉयर्स होते हैं ना इनको लॉ की अच्छी खासी नॉलेज होती है, इन्हें पता होता है लॉ में क्या चीज लिखी क्या नहीं लिखी और किस चीज का फायदा ये लोग अपने क्लाइंट के बेनिफिट के लिए उठा सकते हैं, यानी उन्होंने लूप होल की बात की है। तो अगर कोई चीज लॉ ने क्लियर नहीं की है, कोई चीज अगर लॉ ने क्लियर नहीं की है और उसके रिगार्डिंग आपने उसका क्या उठा लिया है, फायदा उठा लिया है, तो इस कंसेप्ट को अपने पास नाम देते हैं टैक्स अवॉइडेंस। क्या नाम देते हैं, टैक्स का अवॉइडेंस। गवर्नमेंट ने कहा 2017 में इस चीज को स्टॉप करना चाहिए, इस चीज को क्या करना चाहिए, पूरी तरह से स्टॉप करना चाहिए। इस बात को लेकर उन्होंने क्या किया, एंटी अवॉइडेंस रूल को स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया, एंटी अवॉइडेंस रूल को उन्होंने स्टार्ट किया। अब बेसिकली आपको नाम से समझ आ रहा है, एंटी मतलब इस चीज को रोकना, अवॉइडेंस मतलब खत्म कर देना। इसके लिए रूल लाए हैं कि अगर कोई लॉ के अंदर कोई लूप होल है और उस लूप होल का फायदा उठा के आप टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर रहे हो तो ऐसे हम नहीं होने देंगे, हम उनके लिए बकायदा पूरा रूल एंड रेगुलेशन लेकर आएंगे। एंड दैट रूल एंड रेगुलेशन इज कॉल्ड एंटी अवॉइडेंस रूल, जिसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, सार और गार। क्या सार और गार, सार को क्या बोलते हैं, स्पेशल एंटी अवॉइडेंस रूल। क्या बोलते हैं, स्पेशल एंटी अवॉइडेंस रूल। और गार को क्या बोलते हैं, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। समझ गए होगी कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, गार। दोस्तों अगर मैं गार को डायरेक्टली पढ़ाता ना आपको कुछ नहीं समझ आता, इसीलिए कहते हैं कि हर चीज में, चाहे आपकी इकोनॉमिक सोच है, अकाउंट सोच है, आपकी बिजनेस स्टडीज हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे आपकी इंडियन पॉलिटी हो, जीएस पेपर नंबर 1, जो भी कुछ हो, सब जगहों पर आपको अपना बेस डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना अच्छा आप अपना बेस डेवलप करोगे उतनी ही चीज आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। देखो हमने ना गार को सीधा स्टार्ट नहीं किया, पहले हमने आपको बेस बताया कि आखिर गार की जरूरत क्यों पड़ी। तो आई थिंक इतना जो मैंने अभी 10 मिनट तक आपको बताया उससे आपको ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि गवर्नमेंट क्या करती है, लॉ बनाती है किसी चीज के रिगार्डिंग लेकिन उसका लूप होल निकाल के पब्लिक उसका फायदा शुरू कर देती है उठाना। और इस कॉन्सेप्ट बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस। इसको दूर करने के लिए 2017 के अंदर एंटी अवॉइडेंस रूल को स्टार्ट किया गया था, जिसके अंदर दो पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया था, सार और गार। सार का मतलब होता है स्पेशल एंटी अवॉइडेंस रूल और गार का मतलब होता है जनरल एंटी अवॉइडेंस
रूल, ठीक है। अब अगर हम बात करें अपने पास सार की, तो सार में क्या होता है कि कुछ स्पेसिफिक चीजें होती है जिनके लिए गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया, जैसे सेक्शन 50C सेक्शन, ये आपका डिविडेंड का सेक्शन आ गया, ट्रांसफर प्राइसिंग का सेक्शन आ गया। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये जो ट्रांसफर प्राइसिंग आप बता रहे हो ये होता क्या है? दोस्तों प्लीज मुझे थोड़ा सा भी माफ करना, आगे आने वाले चैप्टर के अंदर जो आपका नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर ना, यानी चैप्टर नंबर 17, उसके अंदर टैक्स के बारे में मुझे आपको बताना है, वहां पर मैं आपको ट्रांसफर प्राइसिंग के बारे में जरूर बताऊं कि क्या होती है, ठीक है। बाकी अभी थोड़ा सा प्लीज आप इस चीज को अवॉइड करना, मुझे आपको पढ़ाना है गार, यानी जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, ये कहा गया कि अगर मान लो किसी ने अपनी इनकम 3 करोड़ से ज्यादा दिखाई है तो ऐसे केस में हम उस पर गार अप्लाई कर देंगे, और अगर एप्टा एमसीए में से कोई भी 4 कंडीशन फुलफिल होगी तो लगा देंगे। आपको भी सर क्या बोल रहे हो, एप्टा एमसीए, ये मैंने निमोनिक बनाया है, ये मैंने क्या बनाया, निमोनिक, ये देखो ये रही एप्टा एमसीए, मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा डोंट वरी, ये मैंने आपको समझाने के लिए और आपको याद रखने के लिए ये शॉर्ट फॉर्म बनाई है एप्टा एमसीए की। चलो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। पहले सर आप ये बताओ कि जो गार है ये किस पर एप्लीकेबल होता है? सीधी बात है, अगर कोई ऐसा क्लाइंट जो इनकम टैक्स की नजरों के अंदर आ गया है, जो लूप होल का फायदा उठा के गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस करवा रहा है, तो हम उसको पकड़ लेंगे और पकड़ के सीधा केस नहीं करेंगे, बल्कि हमें उसके खिलाफ सबूत निकालने पड़ेंगे, हाँ उस बंदे ने जो है वो चोरी किया। आप शक की निगाहों पर उसको जो है अब पकड़ नहीं सकते हो, ठीक है, आपको बाकायदा रेड डालनी पड़ेगी, रेड के बाद उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी और ये बताना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा हाँ इस बंदे ने टैक्सी चोरी की है, जिसके लिए बोला गया कि आप ये जो कंडीशन है ना APTA MCA APTA MCA, इसमें से कोई 4 कंडीशन, इसे ऊपर की तो 3 कंपलसरी है और इन 4 में से कोई 1 कंडीशन कर दो, यानी टोटल होगी 4 कंडीशन, अगर आप फुलफिल कर देते हो तो यस आप जो है गार के रूल के अंदर कवर हो जाओगे और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये खास तौर पे उन चोरों के लिए है जो इनकम टैक्स की चोरी करने में महारत हासिल कर चुके हैं, ठीक है, उनको पकड़ने के लिए। और ये कंसेप्ट 2017 से स्टार्ट हुआ था, जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को ऐसा लगने लगा कि यार टैक्स के लूप होल का फायदा तो हर जनता उठा रही है, और फायदा कौन उठा रहे हैं जानते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो सीए होते हैं ना, क्योंकि उनको ज्यादा अच्छी नॉलेज होती है, जब वो खूब सालों तक प्रैक्टिस करते हैं तो उन्हें लूप होल्स का पता चलना शुरू हो जाता है कि किन किन जगहों पर लूप होल्स हैं, और बस उसी का फायदा ये उठाने लगता है, क्योंकि वी आर इंडियंस यार, हम कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ पाने तो निकाल ही लेते हैं, हर जगह निकाल लेते हैं यार, इसी वजह से तो वी आर इंडियंस। चलो अभी तक अच्छा, A4 क्या होता है? A4 होता है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का मतलब होता है कि अगर आपने कोई टैक्स की चोरी करने के लिए अरेंजमेंट की है, वो भी कब, 2017 को या उसके बाद। अच्छा सर, अगर मान लो हमने 2017 से पहले अरेंजमेंट की तो हम गार में कवर नहीं होंगे? नहीं, बिल्कुल भी कवर नहीं होंगे। अच्छा मतलब सर, अगर हमने कोई चोरी या प्लानिंग 2017 से पहले की होगी टैक्स अवॉइडेंस की, तो वो हम कवर नहीं किए जाएंगे? अरे बिल्कुल नहीं किए जाएंगे, आप खुले सांड की तरह कहीं भी सींग मार सकते हो, ठीक है। तो यानी 2017 या उसके बाद से अगर आपने कोई अरेंजमेंट करने की कोशिश की है, अच्छा अरेंजमेंट मतलब कि टैक्स की चोरी को लेकर प्लानिंग आपकी पहले शुरू हो चुकी थी, कब, 2017 या उसके बाद से, तो वे लिखा है कोई भी अवॉइडेंस जो 2017 से पहले किया गया है वो गार में एप्लीकेबल नहीं होगा, बल्कि 2017 के बाद से जो भी चीजें की गई हैं हाँ वो गार में एप्लीकेबल होंगी। तो कोई भी ऐसा अरेंजमेंट जो असेसिंग ऑफिसर को लग रहा है कि आपने ये सब किया है टैक्स की चोरी करने के लिए किया है। नंबर 2, पर्पस क्या था आपका, टैक्स का बेनिफिट उठाना। टैक्स का बेनिफिट उठाने का मतलब है कि आप चाहते थे कि टैक्स आपको कम से कम देना पड़े, तो अगर आपने कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसा अरेंजमेंट किया जो किसके लिए किया था, टैक्स को बेनिफिट उठाने के लिए, टैक्स का बेनिफिट उठाने के लिए। एंड टी फॉर टैक्स बेनिफिट शुड बी मोर देन 3 करोड़, और आपके टैक्स की बेनिफिट जो है उसका अमाउंट 3 करोड़ से ऊपर है। अच्छा सर, अगर मान लो टैक्स का अमाउंट जो है वो 3 करोड़ से नीचे है और हमने तब टैक्स अवॉइडेंस किया, तो क्या गार में कवर नहीं होंगे? बिल्कुल भी कवर नहीं होंगे। तो सर इसका मतलब हम खुले सांड की तरह कुछ भी कर सकते हैं? ना जी ना, आप दूसरे में कवर हो जाओगे सार के अंदर, याद रखना, गवर्नमेंट छोड़ने वाली नहीं है। गवर्नमेंट का बड़े बड़े सांडों को पकड़ने के लिए हम क्या करेंगे, गार बनाएंगे। अच्छा मेरा सांड का मतलब यहां से क्या है, सांड का मतलब वो व्यक्ति जो टैक्स की नजरों से छुप छुप कर इधर उधर भागता है, मेरी बात को समझ लो। तो क्या कहा गया कि कोई भी ऐसा अरेंजमेंट जिसका पर्पज टैक्स का बेनिफिट उठाना है और वो बेनिफिट 3 करोड़ से ज्यादा है, कितना है, 3 करोड़ से ज्यादा है, ये 3 कंडीशन अगर मिल गई तो आप गार में कवर नहीं होंगे। अरे सर क्यों मजाक कर रहे हो, हाँ हाँ 3 कवर होने से गार में कवर नहीं होते, आपको नीचे वाली 4 में से कोई एक और कंडीशन एप्लीकेबल करवानी पड़ेगी, देन आप गार के अंदर कवर हो जाओगे। तो वही लिखा है, ये देखो तीनों एंड प्लस 1 कंडीशन आउट ऑफ 4, इन 4 में से कोई एक, या तो आपकी जो जो ट्रांजेक्शन है वो आर्म लेंथ प्राइस में नहीं आनी चाहिए, कोई मिसयूज या अब्यूज टैक्स प्रोविजन का नहीं होना चाहिए, लैक कमर्शियल सब्सटेंस नहीं होना चाहिए, और एबनॉर्मल मैनर, अगर इसका अपोजिट कोई भी एक चीज पाया गया, यानी कि माना जाए कि आपने टेंटेटेड एलिमेंट पाया गया, यानी छल फरेब की आपकी कोई ना कोई इंटेंशन थी, तो ये 3 और इन 4 में से कोई एक अगर कंडीशन एप्लीकेबल हो जाती, यस
यस आप गार के प्रोविजन में आ गए हो, और याद रखना जैसे ही आप गार के प्रोविजन में आओगे तुरंत इनकम टैक्स वाले आप पर छापा मारना शुरू कर देंगे और आपको कोर्ट में घसीटते हुए ले जाएंगे और आपसे पूछेंगे कि आपने टैक्स लूपहोल का बेनिफिट क्यों उठाए, क्या रीजन था इसको उठाने का, और आपके साथ कौन सा चार्टेड अकाउंटेंट था जिसने हरकत करवाई है, वो भी बेचारा पकड़ में आया, उसका भी लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। इसी वजह से हर सीए जो है हर किसी का टैक्स अवॉइडेंस करने की बात नहीं बोलता, क्योंकि उसे पता है कि कल को और पकड़े गए तो उसका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। मेरी बात को समझ लो, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। वैसे एक बात बताऊं दोस्तों, ये जब मैं अपने सीए वाले बच्चों को पढ़ाता हूं ना, तो यहां पर मैं उनको तीन क्लासे लेता हूं तीन तीन घंटे की, तब जाके गार समझ आता है। बट अभी आपको मैं गार, क्योंकि आप सीए थोड़ी कर रहे हो, तो मैं आपको जो गार बता रहा हूं वो एक बेसिक नॉलेज दे दी कि गार क्या होती है। तो अब आप बताओ जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल क्या होता है, कुछ ऐसे रूल जो कि टैक्स के अवॉइडेंस के लिए बनाए गए कि कोई टैक्स का अवॉइडेंस ना कर पाए, यानी कोई भी टैक्स की जो लूप होल है उनसे बेनिफिट ना उठा पाए, उसके लिए बनाए गए रूल को बोलते हैं जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। ठीक है, देखो अब अगर आप बुक से पढ़ोगे तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ आएंगी, क्योंकि मैंने आपका जो बेस है वो अच्छे से यहां पर डेवलप कर दिया है। चलो देखना, यहाँ पर ये रहा गार। ठीक है, गार को देखो, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल ये 2010 में किया गया था, लेकिन इसको प्रपोज 2017 के अंदर किया गया था। ये सारी वही चीज है, देखो अरेंजमेंट मैंने भी बताया था, फिर आप मिसयूज करना चाहते हो, ये सारी चीजें अभी अभी बताई हैं। आप इसको अपने लेवल पे पढ़ लेना, क्योंकि मैंने जब इसको पढ़ा मुझे कुछ खास नहीं लगा और मजेदार भी टॉपिक नहीं था, इस वजह से फिर मैंने अलग से क्या बना लिया, अपने पास नोट्स बना लिए। बाकी ये सारे नोट्स आप जानते हो, अभी अभी जैसे ही हमारा चैप्टर खत्म होगा ना, ये सारे नोट्स मैं अपलोड कर दूंगा हमारे इकोनॉमिक्स सीजी वाले टेलीग्राम चैनल पे। अगर नहीं ज्वाइन किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लो, वैसे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास में हमारा टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है, हमें गार ही करना था और ये चीजें कंप्लीट हो गई। ठीक है दोस्तों, सो गाइस इफ यू लाइक द वीडियो गिव अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नोटिफाई ऑल दैट आई पोस्ट न्यू वीडियो ऑन दिस यूट्यूब चैनल। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।